आप देखा पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं. गुड, वेरी गुड प्रशांत कुमार. अब एक बहुत बर्निंग टॉपिक है यूनिफाइड. जी सर, यूनिफॉर्म. क्या कहते हैं, मैं भी भूल गया. यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, मैं भी भूल गया. कोई बात नहीं. तो आप पब्लिक स्पीकर हैं. जी सर. आप मान लो कहीं से भाषण दे रहे हो, लेकिन आपको दोनों साइड का तो करीब 3-4 पॉइंट इसके फेवर में बताइए और 3-4 पॉइंट इसके अगेंस्ट बताइए. क्या हो रहा है आजकल दुनिया से बताइए. सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले जितनी जो मतलब रेगुलेशंस है रिलीजन से रिलेटेड, जैसे हिंदू मुस्लिम ये सारे लोग हैं, उनके रिलेटेड जो एक्ट है उससे रिलेटेड ऐसा यूनिफॉर्म मतलब सिविल कोड. तो सारे जो जैसे हिंदू का डिफरेंट एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट और ये सारे एक्ट, प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट. सो ये सारे मतलब जो रूल्स है उनको एक एक्ट बनाने का बात चल रहा है, मतलब एक यूनिफॉर्म एक्ट होना चाहिए. तो अगर इसका पॉजिटिव्स का बात किया जाए तो पॉजिटिव्स का है सर कि अगर यूनिफॉर्म होगा तो इक्वालिटी प्रमोट होगा. अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सबके लिए सेम रूल होगा. फिर दूसरा पॉइंट कह सकते हैं सर कि अगर ये होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड तो मतलब जो हम डिलीवरी कर रहे हैं डिलीवरी और सर्विसेज वो भी यूनिफॉर्मली मतलब सही तरीके से होगा. अगर निगेटिव्स का बात करें तो सर तो सबका अपना अपना कोड्स ऑफ रेगुलेशंस है. जैसे अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लोग के जो वो है वो कहते हैं कि हम अपना कुछ अपना रिलीजन स्पेसिफिक कुछ ये चीज है, तो इसके कारण वो मतलब जो डिसिमिलैरिटी है वो उसके कारण ये यूनिफॉर्म करना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है सर मतलब. और अगर निगेटिव का बात किया जाए तो मतलब ये अभी इसको एक एक मतलब पटल पे लाना थोड़ा डिफिकल्ट है सर. अरे क्या मुझे तो अरे भाई साहब, ये तो हिंदू लोग मंदिर में पंडित शादी करते हैं, मुसलमान काढ़ी निकाल रहे नहीं, अब तो पकड़ के पंडित लोग उनको हिंदू में मुसलमान को भी शादी करना पड़ेगा. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा. ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर प्रोविजन से अगर ये एक्ट लाया जाएगा पार्लियामेंट से अप्रूव होकर तो सरकार प्रॉपर प्रोटेक्ट भी करेगी सर कि वो इम्प्लीमेंट भी प्रॉपरली हो. उसमें एक शॉर्ट सेलिंग टर्म आया. ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? आप तो बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा आपने. ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? बहुत उसके नाम से घबरा रहा है. तो ये क्या चीज करता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सर? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर सर इन्फोर्समेंट एजेंसी है लॉ एंड ऑर्डर का, जो कि अगर जैसे वो टेक्निकल एजेंसी है बेसिकली कि अगर मतलब जो भी अगर आय से अधिक इनकम है या फिर जो भी है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब उस पर ये करती है सर मतलब वो क्या करती है ये का क्या मतलब क्या करती है बोलो मतलब वो जाके वहाँ पे ये करती है का क्या मतलब क्या करती है छापा वर्ड वैसे तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग सब्जेक्ट उसमें आता है. मनी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे, मनी की धुलाई कैसे की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है? सर मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ कि जैसे मनी का मतलब मनी ये करना जैसे ब्लैक मनी को है उसको जैसे हवाला ट्रांजैक्शन होता है कि जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ये हुआ. इसके लिए कौन सा कानून बना है? ईडी किस कानून के अंतर्गत चलता है भारत में? सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो तुम्हारा इससे पूछ लेते हैं, आप तो कंप्यूटर इंजीनियर आदि भी रहे हो, बहुत अच्छा होता है. एथिकल हैकिंग किसको कहा जाता है? एथिकल हैकिंग सब सुना है आपने? जी सर. ये क्या होता है? एथिकल हैक वैसे तो हैकिंग हुआ सर कि जैसे अगर अनऑथराइज्ड हम एक्सेस कर लेते हैं तो अनऑथराइज, और अगर सर अगर वो जो अनऑथराइज जो एक्सेस होगा अगर वो इथिकली मतलब जैसे क्या है कि किसी के जैसे इथिकल पर्सपेक्टिव पर अगर वो अटैक है सर तो इथिकल हैकिंग का है. एथिकल मैं भी सुने, एथिकल का मतलब समझते हो? एथिक्स. जी सर. एथिकल हैकिंग क्यों, क्या होता है? हैकिंग तो समझो किसी कंप्यूटर में घुस गए, लेकिन एथिकल हैकिंग भी लोगों को बताया, एथिकल हैकिंग क्या होता है, कोई खास बात? सम गेस कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के मैनेजर. चलो अब ठीक है, तो नॉर्मल चलिए पूछिए. हो गया ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं. जी सर. इसके बारे में जानते हैं? जी सर. ये एब्सोल्यूट टर्म है या कि ये रिलेटिव है? एथिक्स
रिलेटिव कह सकते हैं सर। कैसे बताइए, अब आपके आपको बोलना है बताना है। यस सर, एथिक्स मतलब एथिक्स हुआ सर कि मोरल वैल्यूज किसी मोरल और एथिक्स, मोरालिटी और एथिक्स, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? मोरालिटी सर कह सकते हैं कि वो प्रिंसिपल से रिलेटेड होगा तो वो मोरालिटी होगा। एथिक्स क्या? और एथिक्स हुआ सर कि जैसे वो वेल डिफाइंड अगर वो रेगुलेशन हुआ जिसपे मतलब कि सारा जनरलाइज लोगों का वो पर्सपेक्टिव है। नहीं सुना है सर, बट पढ़ा हुआ है तो बोलिए, नहीं तो दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अच्छा, ये इंटरनल सिक्योरिटी को कौन कौन सा चैलेंजेस है अभी इंटरनल सिक्योरिटी का इंडिया के इंटरनल जी? इंटरनल सिक्योरिटी में सर नक्सलिज्म एक चैलेंज हो सकता है, मतलब नक्सलिज्म एक चैलेंज है। फिर सर बॉर्डर एरिया में अगर कुछ अगर इन्फिल्ट्रेशन का, जैसे अगर जैसे जम्मू कश्मीर में है तो थोड़ा जो इंटरनल वो डिस्टरबेंस है उसको कह सकते हैं कि वो इंटरनल सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। फिर सर जो मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री जो भी अगर एलिमेंट्स हैं वो करती है वो मैं तो पूछ रहा हूँ चैलेंजेस आपसे इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंजेस ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताइए जी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी किस हद तक अच्छा है जी और किस हद तक, किस अमाउंट तक जी ये अच्छा नहीं है, खास करके भारत के कॉन्टेक्स्ट जी सर। ट्रांसपेरेंसी तो सर अगर हर सिस्टम का बात किया जाए, जैसे इकोनॉमिक अगर ट्रांसपेरेंसी है तो वैसे भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, मतलब ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी आएगा तो चीज़ें मतलब सही तरीके से एग्जीक्यूट होगी सर। जैसे अगर जैसे इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहेगा, मतलब अगर सिस्टम अगर कहें तो करप्ट नहीं रहेगा तो चीज़ें मतलब ट्रांसपेरेंसी और करप्शन जी इस दोनों में क्या अंतर है? ट्रांसपेरेंसी हुआ सर क्योंकि आप बात बोलते हैं फिर दूसरा शब्द उसके लिए प्रयोग कर देते हैं तुरंत ही आप। अब जो मोदी है उससे कुछ से क्वेश्चन है जी। ट्रांसपेरेंसी मतलब सर मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम, मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जी सर, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़े हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सर अगर वो तो नेटवर्किंग पढ़े सर, फिर डाटा स्ट्रक्चर होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट जैसा है सर, डीबीएमएस जी। और कोई? और सर कंप्यूटर साइंस कब किए हैं कंप्यूटर साइंस? 2012 में सर। 12 में जी। अब वो सब्जेक्ट का नाम भूल गए? सब्जेक्ट का तो अभी देखा नहीं सर, अभी जो करंट वर्किंग है उसके बारे में। करंट वर्किंग में क्या काम कर रहे हैं आप? असिस्टेंट कंसल्टेंट है सर। कहाँ पे? दिल्ली में। टीसीएस दिल्ली। क्या है आपका वर्क प्रोफाइल? वर्क प्रोफाइल क्लाउड स्पेशलिस्ट है सर। क्लाउड जी। क्लाउड है क्या? सर क्लाउड है कि जैसे अभी हम जो फिजिकल डेटा सेंटर्स का यूज होता है उसके रिप्लेसमेंट में क्लाउड का अभी यूज हो रहा है सर। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस होता है सारे कंपनियों के क्लाउड का चार्ज। क्लाउड का चार्ज सर मेरे पर्सपेक्टिव में सर तो क्लाउड का चार्ज मतलब विद रिस्पेक्ट टू जो डेटा सेंटर है उससे तो लो कॉस्ट ही होता है सर, क्योंकि क्लाउड में क्या है कि वो मतलब फिजिकली डेटा सेंटर डेवलप नहीं करना है, तो सिर्फ हमें वो परचेज करना है, मतलब सिर्फ परचेज करना है उनका स्पेस। तो छोटी छोटी कंपनियां भी जो होंगी वो उसका स्पेस परचेज करके इजिली वो उस पर अपना होस्ट कर सकती है अपना एप्लीकेशन। कंप्यूटर साइंस को आप प्रोजेक्ट मैनेजर में कैसे लिंक करोगे आप, और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है जी दोनों में कोई तालमेल है? यस सर। हाँ सर, कंप्यूटर साइंस जैसे अगर अभी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मतलब एआई पे वर्क करते हैं, तो उसमें ऑटोमेशन का वर्क होता है, तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं सर यहाँ तो प्रोजेक्ट मैनेजर में काफी तरीकों से, तो एआई का यूज हो सकता है सर। फिर बिग डेटा है, डेटा एनालिटिक्स, जो हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं कि वो सारे सोर्सेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको एनालाइज करके फिर उसको वो करते हैं, लोड करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करके जो एमएसएमईज हैं माइक्रोस वो लोग को उन लोग को हम ये बता सकते हैं कि आप मतलब ज्यादा से ज्यादा कैसे कस्टमर को रीच करें। ठीक है, आपने यूज किया एआई जी। ठीक है जी। तो एआई कितने टाइप का होता है
सर एआई ठीक है कोई बात नहीं। चैटबॉट जी सर, चैटबॉट कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का तो नहीं पता सर, बस चैटबॉट पता है कि कैसे यूज होता है। चैटबॉट सर जैसे ऑटोमेटिक मतलब कस्टमर रिस्पांस मैनेजमेंट है कि अगर ऑटोमेटिक अगर कोई अगर हम क्वेश्चन करते अगर कोई चीज पूछते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो रेगुलर उसको आंसर हो देता है सर चैटबॉट। ये ऑटोमेटिक हो गया जी। तो क्या डिफरेंसेस है जो एग्जिस्टिंग चैटबॉट है जी और एआई चैटबॉट में क्या डिफरेंसेस है? सर नॉर्मल जो चैटबॉट है मतलब जो चैटबॉट में तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं उसमें है सर कि ये जो अभी जो चैटबॉट का जो एआई वाला आया है सर उसमें क्या है कि किसी भी जर्नलिस्टिक क्वेश्चन जैसे कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है चैटबॉट एआई से। लेकिन ये जो चैटबॉट है उसमें डिफाइंड डाला रहता है सर क्वेश्चन। हाँ तो इसीलिए चैटबॉट दो टाइप के हो गए जी, एक आपके प्री प्लान चैटबॉट ठीक है जी और एक आपके मशीन लर्निंग चैटबॉट जी जहाँ पे आपके लॉट्स ऑफ आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल हो जाएं। yes, और एक है प्री प्रोग्राम जी, जो प्री प्रोग्राम है तीन चार क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे तो वो होंगे ठीक है। yes, अभी जैसे आप टाटा कंसल्टेंसी में जॉब कर रहे हैं ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका तो मतलब इंडस्ट्री से कोई लेना देना है नहीं जी, तो कैसे इसमें आप सर्वाइव करोगे? सर वैसे तो आईटी इंडस्ट्री एक पार्ट है इंडस्ट्री का, तो यहाँ जो जैसे बिहार गवर्नमेंट में जो इंडस्ट्री होगा उसमें आईटी के लिए भी बहुत सारे मतलब वो इनिशिएटिव वगैरह इंडस्ट्री लेती है, तो सर आईटी बेसिकली पार्ट ही है इंडस्ट्री का ठीक है जी। क्या आपका वर्क प्रोफाइल होगा इसमें? जी इसमें तो प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्क है सर। इसमें क्या क्या काम करोगे? सर प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब अगर बेसिक का के बात किया जाए तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है सर, जैसे एमएसएमई को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट करना वर्क हुआ। फिर सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम काफी मतलब एफर्ट लगा रही है सरकार, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इफेक्टिव होगा। फिर सर मतलब इस तरह का और मतलब रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर मेन फोकस है सर। ठीक है, पब्लिक स्पीकर का तीन चार लोग का नाम बताइए जो काफी फेमस हो। जी पब्लिक स्पीकिंग में सर वैसे तो अगर ओल्ड में देखा जाए तो महात्मा गांधी, विवेकानंद ठीक है। फिर सर स्पीकर में पता नहीं बोलना चाहिए नहीं मतलब नरेंद्र मोदी भी काफी इफेक्टिव ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ठीक है। और सर स्पीकर में अपना ही नाम ले सर प्रशांत कुमार ठीक है सर ठीक है प्रशांत जा सकते हैं आपका इंटरव्यू ओवर हुआ।